क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। जो 4.6 और 4.7 ये दोनों फिगर है ना, इस फिगर की मदद से आपको ये बताना है, जो ये फिगर जो गिवन इक्वेशन है हमारा, जिसे 4 पॉइंट के लिए 6 के लिए ये 4 है और 4.7 के लिए ये 4 है, तो इनमें से कौन सा जो होगा उसका करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर हमारा ऑर्डर पेयर है या नहीं है उस लाइन पर, उसके लिए हम अगर उसमें रख दें तो 0 आना चाहिए, या अगर हमें ऑर्डर पेयर है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं दोनों चीजें, तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिले हैं कि अगर हम ऑर्डर पेयर ये सारे रख करके चेक करें, जिस इक्वेशन में ये सारे सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा। अब सबसे पहले उसके लिए हम पॉइंट देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिगर 4.6 के लिए। किसके लिए? फिगर 4.6। कौन कौन से पॉइंट हैं देखिए यहां पर, -1.1, फिर हमारा क्या है 0.0, फिर क्या हमारा 1.-1। डन। अब पहले इक्वेशन के लिए देखते हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं और x की जगह -1 रखता हूं, क्या दोनों इक्वल हुआ? नहीं ना। तो फर्स्ट के लिए तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को नहीं शो कर रहा है। डन। चलिए अगले के लिए देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। रखते हैं पॉइंट, पहला है -1, -1 +1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट है, होगा, फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया। फिर 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, देन 0 = 0, मतलब मैंने सीधे सीधे वैल्यू रखा। तो आप यहां देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो है पॉइंट, ये जो है सेकेंड नंबर है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 4.6 के लिए अगर परफेक्ट आंसर कहा जाए तो ये होगा हमारा x + y = 0। समझ में आई बात? क्लियर है? तो बड़ा इजी सा काम, सेकंड के लिए भी सिमिलरली वैसी चलेंगे, कहीं कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पहला जो है, पहले सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं, क्या है -1.3, फिर क्या है हमारा 0.2, और फिर क्या है हमारा 2.0। ये किसकी बात चल रही है? फिगर 4.7 के लिए। डन। अब आप एक एक वैल्यू रख करके देखो, जैसे मैं फर्स्ट लेता हूं y = x + 2, मैंने y लिया 3, x लिया -1 + 2, 3 ≠ 1 पॉसिबल नहीं है, यानी फर्स्ट जो है ये हमारा गलत, पहले पॉइंट के लिए गलत हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, इसका है हमारा क्या कि y = x - 2, रखो आप इसकी वैल्यू, मैंने y की जगह 3 रखा, x की जगह -1 रखा, -2, 3 = -3 होता है ना? नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट पॉइंट के लिए अभी पता चल रहा है ज्यादातर की गलत है। आइए हम थर्ड के लिए आते हैं। देखिए बात अगर हम थर्ड की करें तो जो इक्वेशन है वो है हमारा क्या, y = -x + 2। अगर मैं y की जगह 3 रखूं, x की जगह -1 रखूं, तो -1 + 1 हो गया और ये 3 = 3 हो गया। डन। यानी फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। 0.2 के लिए अगर मैं चलता हूं, तो y के लिए मैंने 2 रखा, इसके लिए 0 रखा, 0 + 2, यहां भी 2 = 2 आ गया, सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं थर्ड के लिए,
तो यहां पर देखिए, अगर मैं 2,0 रखता हूं तो ये 2 इक्वल टू माइनस 0 प्लस 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। डन। कहने का मतलब ये तीनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी थर्ड इसका आंसर हो गया और सेकंड इसका आंसर हो गया। 4.6 के लिए सेकंड इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 0 सही है, और 4.7 फिगर के लिए y इज इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस x प्लस 2 सही है। डन। तो बड़ा आसान रहा। ऐसे अगर कोई और ग्राफ दे दे, पता करना हो कि ये इक्वेशन इस ग्राफ का है या नहीं है, तो उससे ऑर्डर पेड़ लेंगे, वहां रखेंगे, सेटिस्फाई कर गया तो है। सारे पॉइंट के लिए करने चाहिए, जितने भी ग्राफ पर आपको पॉइंट दिखेंगे सबके लिए। डन।